वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, यानी प्रत्यक्ष विधि से हमें समांतर माध्य ज्ञात करना। इन दिस क्वेश्चन फर्स्टली गिवन टू यू वन हॉरिजेंटल टेबल्स, इन ए टेबल्स टू कॉलम्स टू रोज एक्स एंड एफ, एक्स कॉलम यूर क्लास इंटरवल कॉलम एंड एफ कॉलम यूर फ्रिक्वेंसी कॉलम। यानी जो आपको एक टेबल दी होगी क्षितिज रूप से, उसका आपने माध्य ज्ञात करना है। उसमें दो कॉलम होंगे, दो आपका मान सकते हो आपको क्या कहते टू रोज होगी, ठीक है। पहली जो रो है वो आपका एक्स कॉलम, यानी जो एक्स कॉलम होता है वो आपका होता है क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल का, एंड एफ कॉलम यूर फ्रिक्वेंसी यानी आवर्ती यानी बारंबारता। ये दो कॉलम आपको दिए होंगे। फर्स्टली वी आर मेक गिवन हॉरिजेंटल टेबल इन ए वर्टिकल, यानी सबसे पहले हमें दी गई टेबल को वर्टिकली क्रिएट करना है। देन टू कॉलम वी आर मेक इट एक्स एंड एफ एक्स कॉलम। वट इज़ द प्रोसीजर ऑफ एक्स कॉलम एंड वट इज़ द प्रोसीजर ऑफ एफ एक्स कॉलम। यानी दी हुई टेबल को हमने वर्टिकली बना लिया, उसके बाद हमें दो कॉलम बनाने हैं एक्स और एफ एक्स, ठीक है। एक्स कॉलम कैसे बनेगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा, और एफ एक्स कॉलम का कैसे बनेगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा, लेट बी लिसन, ठीक है। नाउ प्रोसीजर ऑफ एक्स कॉलम, मिडल वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल कॉलम और एक्स कॉलम, यानी जो एक्स कॉलम होगा वो वर्ग अंतराल कॉलम की जो रेंज दी होगी उसका मध्य संख्या होगी, उसकी बीच की वैल्यू होगी, मिडल वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल रेंज 0 to 10 5, मिडल वैल्यू ऑफ 0 to 10 5, 10 to 20 15, 20 to 30 35, 30 to 40 40 35, 40 to 50 45, 50 to 60 55, इट इज मिडल वैल्यू ऑफ गिवन रेंज ऑफ क्लास इंटरवल कॉलम, ठीक है। नाउ एफ एक्स कॉलम, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एफ एक्स कॉलम, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉलम्स एफ एंड एक्स, यानी इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉलम एफ एंड एक्स, यानी एफ एक्स जो कॉलम होगा वो आपका एफ और एक्स कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, ठीक है। तो नाउ लेट नाउ 10 multiply 5 50, 15 multiply 15 225, 12 multiply 25 300, 4 multiply 35 is 140, 8 multiply 45 360, 11 multiply 300 605, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, फर्स्टली वी आर फाइंड सम ऑफ एफ कॉलम, इट इज कॉल्ड समीशन एफ, यानी सम ऑफ एफ कॉलम इज कॉल्ड समीशन एफ, यानी एफ कॉलम का जो सम होगा उसको समीशन एफ से बोलते हैं, इसको एन भी बोला जाता है, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो यानी इसको सिग्मा एफ बोला जाता है, यानी एफ कॉलम का आप सम करोगे जितना आंसर आएगा वो आपका सिग्मा एफ होगा, समीशन एफ होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न सम ऑफ एफ एक्स कॉलम इज समीशन एफ एक्स, यानी सिग्मा एफ एक्स, वी आर फाइंड 1705, इट इज योर आंसर ऑफ सम ऑफ एफ एक्स कॉलम। नाउ वट इज द सिम्बोलिक ऑफ मीन, सिम्बोलिक ऑफ मीन इज एक्स बार, योर सिम्बोलिक ऑफ मीन इज एक्स बार, यानी आप माध्य को समांतर माध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। वट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन, समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ, इट इज ऑल्सो वन अनदर फॉर्मूला, राइट डाउन इन दिस फॉरम, समीशन एफ एक्स अपॉन में एन, बिकॉज सम ऑफ फ्रिक्वेंसी इज एन, ठीक है। तो जो कुल बारंबारता का योग होता है उसको एन भी बोल सकते हैं और समीशन एफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू फ्रॉम द टेबल्स, 705 वैल्यू ऑफ एफ एक्स और समीशन एफ यू वैल्यू इज 60, यानी जो 1705 है वो आप समीशन एफ एक्स कॉलम का जोड़ है और एफ समीशन एफ जो आपका है वो 60 है, कट बाय फाइव टेबल, नंबर ऑफ फाइव टेबल, नाउ 341/12, नाउ डिवाइड बाय, नाउ योर आंसर मीन ऑफ योर क्वेश्चन 28.42, इट इज योर आंसर ऑफ गिवन टेबल ऑफ मीन, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, इस प्रकार से आपको ये करना है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यू विल बी सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, अदरवाइज यू हैव नॉट अंडरस्टैंड प्लीज कंसल्ट टू मी नाउ 11 to 12 PM, ठीक है। आफ्टर ऑफ आई विल बी नॉट सॉल्व योर क्वेरी।
ठीक है, ओके, थैंक यू. यू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड फाइंड द आंसर, देन कंसल्ट टू मी. ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट फाइंड द मीन. टूडे अगेन वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक. लास्ट टाइम गिवन टू यू वन क्वेश्चन टू यू. व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन योर क्लास इंटरवल रेंज ऑफ योर क्वेश्चन इज 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. एंड योर फ्रिक्वेंसी ऑफ योर क्वेश्चन 7, 12, 13, 10 and 8. इट इज योर क्वेश्चन. व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फाइंड द मीन? फर्स्टली वी आर मेकिंग फॉर नीड टेबल. व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग द टेबल? फर्स्टली वी आर मेक हॉरिजेंटल टेबल इन ए वर्टिकल. देन वी नीड टू मेक कॉलम. वन इज एक्स, सेकेंड योअर एफ एक्स. वट इज द प्रोसीजर ऑफ एक्स कॉलम? प्रोसीजर ऑफ योर एक्स कॉलम इज मिडल वैल्यू ऑफ यूअर गिवन टू क्लास इंटरवल रेंज 0 to 20. योर मिड वैल्यू ऑफ 0 to 20 इज 10. अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न योर मिड वैल्यू ऑफ 20 to 40, 30, 40 to 60, 50, 60 to 80, 70 एंड 80 to 100 यूअर मिड वैल्यू ऑफ 90. इट इज़ द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द एक्स. एंड वट इज़ द प्रोसीजर ऑफ एफ एक्स कॉलम? प्रोसीजर ऑफ एफ एक्स कॉलम इज प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एक्स कॉलम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ एंड एक्स कॉलम. तो सो यूअर एफ एंड एक्स कॉलम 7 multiply 10, 70, 12 multiply 30, 360, 13 multiply 50, 650, 10 multiply 70, 700, 8 multiply 90, 720. नेक्स्ट यूअर स्टेप, स्टेप यूअर नेक्स्ट इज सम ऑफ एफ कॉलम. सम ऑफ एफ कॉलम, यूअर सम ऑफ एफ कॉलम इज 50. सम ऑफ एफ कॉलम इज नोन एज ए समिशन एफ, ऑल्सो नोन एज ए एन. सम ऑफ फ्रिक्वेंसी इक्वल टू एन. सो यूअर सम ऑफ एफ कॉलम इज 50 एंड अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न सम ऑफ एफ एक्स कॉलम यूअर समिशन एफ एक्स इक्वल टू यूअर 2500. आई होप यू हैव मेक इट टिल हेयर. नाउ वट इज द फॉर्मूला ऑफ यूअर मीन? एक्स बार इक्वल टू समिशन एफ एक्स अपॉन में समिशन एफ. योर वैल्यू ऑफ समिशन एफ एक्स इक्वल टू 2500 बाय वैल्यू ऑफ समिशन एफ इक्वल टू 50 कट बाय 0 to 0, देन 250 डिवाइड बाय 5. योर आंसर इज 50. सो यूअर गिवन क्वेश्चन ऑफ मीन यूअर 50. आई होप ऑल स्टूडेंट हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स आर आंसर इज राइट. Okay, now today I am giving to one another two another questions according to this pattern. You will find these questions of solution and any problem you want to ask to me if you feel. Thanks.